मुनिया मुनिया के अम्मा का है चिल्ला दो सुबह सुबह। अरे गैया दूध दूध पैसा बचाए का दूध बच के कहा दे रही है, अब तो एक टेम ही देवे। ऊपर से मैंने तो मीना और मुनिया को भी दूध देना बंद कर दिया है। वो तो घर का खर्च चलना मुश्किल हो रहा है, आटा दाल भर का भी ना हो पा रहा है, और ऊपर से गैया ने खाना पीना भी बंद कर दिया। कहा देगी दूध खा। अरे कहो तो जमींदार साहब से कुछ कर्जा लेते हैं। अरे मुनिया के बापू भी पिछला कर्ज भी चुकता ना हुआ, ऊपर से सूखे ने मार रखा, इस साल भी बारिश के कोनो आसार ना लग रहे मोको। अरे मुनिया स्कूल से बड़ी जल्दी आ गई, छुट्टी हो गई क्या? बापू मास्टर साहब ने भेज दिया, बोले पहले फीस लेके आओ तभी आना। अरे मुझे अम्मा हमका लागत है, अब जमींदार पास जाने पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ए, कहां घुसा जा रहा है मगरुआ? माय बाप जमींदार साहब से मिलना था। जा अंदर बैठे हैं। मालिक की जय हो, मालकिन की जय हो। कहां ले रहे मगरू? माय बाप फिर अनुराता रहम करो मालिक, मालिक घर में खाने को खाने का गाँव नहीं है मालिक, सूखे की वजह से खेती किसानी तो चौपट हो रखी है मालिक, बीज बोए खातिर एक पैसा मिल जाता तो। अरे तेरी खाला का घर है कहा? जब देखो मुठे और चले आए, अभी पिछला ब्याज ही नहीं चुकता किया है और फिर मांगने चले आए, हम हिसाब के बहुत पक्के हैं मगरुआ। मालिक कुछ तो रहम करो मालिक। देख मगरवा इस बार तुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी तुमको पैसा मिलेगा। मालिक हम गरीब किसान पास का रखा है गिरवी रखने के लिए? मालिक हमारे पेट पाले के लिए थोड़ा खेत है मालिक, आप चाहो तो उसे गिरवी रख लो मालिक, जैसे हमारी फसल तैयार होगी वैसे हम आपका अनाज बेच के पाई पाई चुका देंगे मालिक। क्या कहती हो ठकुराई, दे दे मगरवा को पैसा? पहले खेत गिरवी रखना तब देना पैसा। ठीक है मगरवा, कल खेत के कागजात ले आना और पैसे ले जाना। जी मालिक, जी मालिक, जी मालकिन। मुनिया की अम्मा हमका माफ कर देने, हमें मजबूरन में जमींदार साहब को कागजात देने पड़ेगा। साहिब नजर रखना, माला नजर रखना, साहिब नजर रखना, माला नजर रखना, तेरा करम सबको मिले सबकी फिकर रखना, साहिब नजर रखना, माला नजर रखना। मालिक की जय हो, मालकिन की जय हो। अरे मंगवा कागजात ले। जी मालिक, ये लो मालिक। ठीक है मुंशी जी, दे दीजिए मंगरुआ को पैसा।
मालिक की जय हो, मालकिन की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो। तुम चलो डॉक्टर लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हमारे भैया गिर गए हैं। क्या हुआ भैया को? डॉक्टर साहब भैया गिर गए, उठ नहीं पा रही है। चलो देखते हैं। हालत बहुत गंभीर है, इसका बचना मुश्किल है, इसका तो भगवान ही मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते।
कर दो ये। अरे मगरू, ला पैसे के पुराने हिसाब किताब चुकता कर। मालिक हम पे कुछ तो रहम कीजिए, हमें कुछ समय और दीजिए, अब तो हमारी गैया भी मर गई। मालिक कुछ तो रहम कीजिए, अब हमें कुछ समय और दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। देख मगरू, हम तुम्हें पहले भी वह समय दे चुके हैं, अब और नहीं। कल अगर तूने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। मालिक कुछ समय तो और दीजिए, हमें कुछ तो रहम कीजिए हम पे। अरे कहाँ है हल्कू भैया? अरे काका, पता है कल अपने गांव में जागरूकता शिविर लगने वाला है, और उसमें काका पशुओं का मुफ्त में इलाज और उनके बारे में मुफ्त में जानकारी दी जाएगी काका। और तो और काका, डॉक्टर साहब खुद ही आ रहे हैं और हमें तमाम व्यवसाय के बारे में, जैसे सरकारी योजना और सरकारी कर्जा के बारे में बताया जाएगा काका। और तो और, फसल खराब होने पर किसान को का का फायदा मिलता है वही बताया जाएगा काका। अरे हल्कू भैया, हम गरीब किसान के खातिर इतना कौन करी, वो भी मुफ्त में। अरे काका, कल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति खुद ही आ रहे हैं, वो वही शिविर का उद्घाटन करेंगे और हमें जानकारी मुफ्त में देंगे। हम तो कहते हैं काका, तुम्हू अपना कोनो व्यवसाय चालू करते हो, हमका तो लग रहा है अब अच्छे दिन आने वाले हैं। का लागत हल्कू भैया ठीक के कहा थे, अच्छे दिन आने वाले हैं।
हम स्कूल जा रहे हैं। अच्छा बिटिया जाओ।